नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है कुछ ऐसा जो हर यूट्यूबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे यूट्यूब थंबनेल के बारे में, वो भी 2024 के लिए। दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे ट्रेंड्स और टेक्निक्स भी बदलते हैं। 2024 में यूट्यूब थंबनेल को और भी इम्पैक्टफुल और आई कैचिंग बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब पे सक्सेस के लिए अच्छा कॉन्टेंट तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जरूरी है एक धमाकेदार थंबनेल। एक अच्छा थंबनेल आपके वीडियो को VDDH से अलग खड़ी डिहा कर सकता है और व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। थंबनेल ही तो वो पहली चीज है जिससे कोई व्यूअर आपके वीडियो पे क्लिक करता है। अगर आपका थंबनेल इंटरेस्टिंग और अपीलिंग नहीं है तो व्यूअर आपके वीडियो को इग्नोर कर सकता है, चाहे आपका कॉन्टेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। एक अट्रैक्टिव और एंगेजिंग थंबनेल आपके व्यूज बढ़ा सकता है, आपके चैनल की ग्रोथ तेज कर सकता है और आपको और सब्सक्राइबर्स दिला सकता है। इमेजिन कि आपका थंबनेल इतना पावरफुल हो कि लोग उसे देखते ही क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका YouTube चैनल 2024 में धूम मचाए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने थंबनेल को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे एक परफेक्ट यूट्यूब थंबनेल बनाते हैं, बेस्ट टूल्स क्या है और क्या मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। हम आपको कुछ प्रो टिप्स भी देंगे जो आपके थंबनेल को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तैयार हो जाइए क्योंकि ये वीडियो आपके यूट्यूब जर्नी को बदल सकता है। लेट्स डाइव इन एंड क्रिएट सम अमेजिंग थंबनेल टुगेदर। दोस्तों, पहली बात, हाई क्वालिटी इमेज, ये सबसे जरूरी है। आपके थंबनेल की इमेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पिक्सेलेटेड या ब्लरी नहीं। ये आपके वीडियो का पहला इंप्रेशन होता है। इमेजिन आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और मेन्यू कार्ड पे ब्लरी फोटोज देखें तो क्या आपको खाना खाने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं। क्लियर इमेजेस ही आपको अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह अगर आपके थंबनेल की इमेज क्लियर नहीं होगी तो व्यूअर्स को लगेगा कि आपका वीडियो भी लो क्वालिटी होगा और वो क्लिक नहीं करेंगे। थंबनेल ही वो चीज है जो सबसे पहले व्यूअर्स को दिखती है। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूज करें, JPEG या PNG फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट्स आपके इमेजेस को शार्प और क्लियर रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फाइल साइज YouTube की लिमिट के अंदर ही रहे। YouTube की लिमिट 2 MB है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा बड़ा फाइल साइज होने से थंबनेल लोड होने में टाइम लगेगा और व्यूअर्स का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। फास्ट लोडिंग थंबनेल ही व्यूअर्स को इंगेज रखते हैं, इसलिए इमेज को कॉम्प्रेस करके साइज कम करना भी सीखें। कंप्रेशन टेक्निक्स यूज करें ताकि क्वालिटी भी बनी रहे और साइज भी कम हो। आप ऑनलाइन टूल्स यूज कर सकते हैं जैसे TinyPNG या JPEG ऑप्टिमाइजर, जो आपकी इमेजेस को कंप्रेस करके साइज कम कर देते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि आपके थंबनेल क्लियर, हाई क्वालिटी और सही साइज के हों। इससे आपके वीडियोस पर क्लिक्स बढ़ेंगे और एंगेजमेंट भी बढ़ेगी। हाई क्वालिटी थंबनेल आपके यूट्यूब चैनल की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें ही आपके चैनल को ग्रो करने में मदद करती हैं। हैप्पी व्यूअर्स ही आपके कंटेंट को पसंद करेंगे और पॉजिटिव फीडबैक देंगे। तो भूलकर भी ब्लरी थंबनेल मत बनाइए। अब बात करते हैं डिजाइन की। दोस्तों, एक सक्सेसफुल थंबनेल में कलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ब्राइट एंड बोल्ड कलर्स यूज करें जो व्यूअर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचे। टेक्स्ट ओवरले भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। थंबनेल पे लिखा हुआ टेक्स्ट क्लियर और पढ़ने में आसान होना चाहिए। और हाँ, फॉन्ट भी ऐसा चूज करें जो आपके चैनल की ब्रांडिंग से मैच करता हो। फेसेस एंड इमोशंस भी व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके थंबनेल में एक एक्सप्रेसिव फेस होगा तो लोग नेचुरली उस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, SEO सिर्फ आपके वीडियो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि थंबनेल के लिए भी उतना ही क्रूशल है। थंबनेल का फाइल नेम में रेलेवेंट कीवर्ड्स जरूर ऐड करें। जब आप थंबनेल को सेव करते हैं तो उसे एक डिस्क्रिप्टिव नेम देना ना भूलें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके वीडियो का टॉपिक है बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000, तो आपके थंबनेल का फाइल नेम कुछ ऐसा हो सकता है, बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 थंबनेल JPG। इससे YouTube को समझने में आसानी होगी कि आपके वीडियो और थंबनेल किस बारे में है, और वो आपके वीडियो को सर्च रिजल्ट्स में हायर रैंक करेगा। लेकिन सिर्फ फाइल नेम ही नहीं, थंबनेल का डिजाइन भी बहुत मायने रखता है। एक आई कैचिंग थंबनेल आपके वीडियो की क्लिक थ्रू रेट को बढ़ा सकता है।
ब्राइट कलर्स, रीडेबल टेक्स्ट और क्लियर इमेजेस यूज करें। साथ ही थंबनेल में भी कीवर्ड्स का यूज करें। अगर आपके वीडियो का टॉपिक है बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000, तो थंबनेल पर भी ये टेक्स्ट होना चाहिए। इससे व्यूअर्स को तुरंत समझ में आ जाएगा कि वीडियो किस बारे में है। थंबनेल का साइज और रेजोल्यूशन भी सही होना चाहिए। YouTube recommends a resolution of 1280x720 pixels और size should be under 2 MB. ये सब factors मिलकर आपके वीडियो की visibility और ranking को improve करते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपना वीडियो अपलोड करें तो इन टिप्स को जरूर ध्यान में रखें। सही keywords और attractive thumbnail से आप अपने वीडियो की reach को बेरहा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा audience तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपको प्रोफेशनल डिजाइनर बनने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे फ्री एंड पेड टूल्स अवेलेबल है जिनसे आप अमेजिंग थंबनेल्स बना सकते हैं। कैनवा एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है जिसमें आपको प्री डिजाइनर टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप कुछ और एडवांस्ड फीचर्स चाहते हैं तो अडोबी स्पार्क और फोटर भी यूज कर सकते हैं। इन टूल्स में आपको इमेजेस एडिट करने के लिए, टेक्स्ट ऐड करने के लिए और डिफरेंट एलिमेंट्स यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अपने लिए बेस्ट टूल चूज करें और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालें। दोस्तों, एक बार थंबनेल बनाने के बाद उसे टेस्ट करना ना भूलें। YouTube स्टूडियो में आप AB टेस्टिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा थंबनेल ज्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। TubeBuddy एक और हेल्पफुल टूल है जिससे आप डिफरेंट को थंबनेल कंपेयर कर सकते हैं और उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। AB टेस्टिंग से आपको समझ आएगा कि कौन से डिजाइन ज्यादा इफेक्टिव है और आप अपने फ्यूचर थंबनेल को और भी बेहतर बना पाएंगे। अगर आप एक सीरीज बना रहे हैं तो उसके लिए एक कंसिस्टेंट थंबनेल डिजाइन बहुत जरूरी है। इससे व्यूअर्स को आसानी से समझ आएगा कि कौन सा वीडियो किस सीरीज का पार्ट है। आप सेम कलर स्कीम, फॉन्ट एंड लेआउट यूज कर सकते हैं हर थंबनेल में। नंबरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर थंबनेल पे क्लियरली मेंशन करें कि वो सीरीज का कौन सा पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल Part 1, Part 2 एंड सो ऑन। इससे व्यूअर्स को सीरीज फॉलो करने में आसानी होगी और आपके चैनल पे एंगेजमेंट भी बढ़ेगा। दोस्तों, सक्सेसफुल यूट्यूबर्स से सीखने में कोई बुराई नहीं है। अपने नीच वाले टॉप चैनल्स के थंबनेल को एनालाइज करें, देखें कि वो क्या कर रहे हैं जो उनके लिए काम कर रहा है। करंट डिजाइन ट्रेंड्स पे भी नजर रखें। YouTube थंबनेल का डिजाइन कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, इसलिए अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, ब्लाइंडली कॉपी ना करें। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें और अलग दिखाई दें। दोस्तों, एक सक्सेसफुल थंबनेल में एक हुक होना चाहिए जो व्यूअर्स को इंस्टेंटली ग्रैब करे। ये हुक कुछ भी हो सकता है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक शॉकिंग स्टेटमेंट या एक फनी सिचुएशन। थंबनेल में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके थंबनेल का बैकग्राउंड डार्क है तो टेक्स्ट लाइट कलर का होना चाहिए और वाइस वर्सा। इससे रीडेबिलिटी बढ़ेगी और थंबनेल ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। दोस्तों, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को इग्नोर मत करें। YouTube ने थंबनेल के लिए कुछ गाइडलाइंस सेट की है जिनका फॉलो करना जरूरी है। थंबनेल का एस्पेक्ट रेशो 16:9 होना चाहिए और रेजोल्यूशन एटलीस्ट 1280x720 पिक्सल्स होना चाहिए। टेक्स्ट रीडेबिलिटी का भी ध्यान रखें। थंबनेल डिफरेंट डिवाइसेस पे अच्छे से दिखना चाहिए, चाहे वो मोबाइल हो या डेस्कटॉप। इसलिए थंबनेल को डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे चेक करना ना भूलें। दोस्तों, एक बार जब आपके वीडियोस पब्लिश हो जाते हैं तो उनके परफॉर्मेंस पे नजर रखना बहुत जरूरी है। YouTube एनालिटिक्स में आप देख सकते हैं कि आपके थंबनेल कितने क्लिक्स जेनरेट कर रहे हैं। क्लिक थ्रू रेट CTR एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जिससे पता चलता है कि कितने व्यूअर्स ने आपके थंबनेल पे क्लिक किया आफ्टर सीइंग इट इन सर्च रिजल्ट्स। वॉच टाइम भी एनालाइज करें। अगर व्यूअर्स आपके वीडियोस को देखना जल्दी बंद कर देते हैं तो हो सकता है कि आपके थंबनेल उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा। याद रखिए, एक अट्रैक्टिव और एंगेजिंग थंबनेल आपके YouTube चैनल की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन टिप्स को फॉलो करें और अपने थंबनेल को और भी बेहतर बनाएं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो हिम्मत ना हारें और एक्सपेरिमेंट करते रहें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।